पिछली वीडियो में हमने पारदित्य स्वर्णा काका के दो अनुच्छेद पढ़े थे। आज हम इसका तीसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। तीसरे अनुच्छेद में देखिए, सूर्योद्यात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय होने से पहले ही सा तत्रोपस्थिता, वह वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा अश्चाश्चर्यचकिता संजाता। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ सोने का प्रासाद, मतलब महल, कि वहाँ सोने का महल है। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, हो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, कि वह सोने का महल है। यदा काका, जब कौवा सोकर शयित्वा सोकर प्रबुद्धः उठा, तदा तब तेन उसने स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से झांक कर कथितम कहा। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, हो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता तिष्ठ, तुम मतलब तुम आगता आ गई हो, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत कृते, मैं त्वत कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कथ्य, तो बताओ, स्वर्णमयम सोने की, रजतमय मुतम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की, किसको उतारूं। कन्या प्रोवाच, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन गरीब मातु हूँ, माता की दुहिता पुत्री, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि, तांबे की, ताम्र सोपाने तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम मा साददात, परंतु वह सोने की सीढ़ी से सोने के महल में पहुंची। चौथा अनुच्छेद देखिए, चिर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजातानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम, बहुत देर तक भवने भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि अनोखी वस्तुओं को सज्जितानि दृष्ट्वा सजा हुआ देखकर सा विस्मयम गता, वह हैरान हो गई। शांता ताम विलोक्य काकाह प्रहा, शांता थकी हुई विलोक्य देखकर, उसको थकी हुई देखकर काकाह प्रहा, कौवा बोला, पूर्व लघु प्रातराशा क्रियताम, पहले लघु थोड़ा सा प्रातराशा नाश्ता क्रियताम कर लो, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वद बोलो, त्वम स्वर्ण स्थालियां भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थालिया मुत ताम्र स्थालिया, अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्याज हार, बालिका बोली, ताम्र स्थालिया में अहम निर्द्रा भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या शाश्चर्यचकिता, फिर वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थालियां भोजनम प्रयवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा, ते नई ते ताद्रिक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, आज तक उस बालिका ने
स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको ब्रूते कौवा बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ यत त्वम सर्वदा चाहे श्रेव तिष्ट, कि तुम हमेशा यहीं रहो। परम तम माता वर्तते चेकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर को चली जाओ।